सो वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सीडीएस 1 2019 का जो मैथ्स का पेपर है, ठीक है, उसके आंसर की और जो इसके सॉल्यूशन से मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए इन माय प्रीवियस वीडियोस। हो सकता है एक आध क्वेश्चंस में आपकी गड़बड़ी हुई थी, ठीक है ना, ड्यू टू कैलकुलेटिव मिस्टेक, और एक आध थोड़ा कुछ हो जाती है गलतियाँ, ठीक है ना। तो इसमें मैं अपने पूरा जो आपका करेक्ट सॉल्यूशन है इसमें प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो आई एम अपलोडिंग द होल आंसर की ऑफ मैथ्स पेपर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन। तो व्हाट इज द रिमाइंडर वाला जो आपका क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसका रिमाइंडर आपका 17 to the power 29 प्लस 19 to the power 29 वाला जो क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा टी, ठीक है। और व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन सच दैट 10 to the power n डिवाइड्स द प्रोडक्ट, ये आपका जो क्वेश्चन था इसका जो आंसर होगा इट इज ए 65, ठीक है ना। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ए कॉमा बी आर पॉसिबल इन द नंबर जो आपका दिख रहा है 479 मल्टीप्लीकेशन वाला आपका 999 इंटू ए बी सी इक्वल टू डी एफ 132 जो आपका गिवन क्वेश्चन था, इसका आंसर है आपका डी, ठीक है। थ्री पर्सन्स ए बी सी स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट एट 5 PM 6 PM 7 PM, ठीक है ना। तो इसमें पूछा गया था ऑल द थ्री पर्सन्स मेट एट अनदर पॉइंट एट द सेम इंस्टेंट ड्यूरिंग देयर जर्नी देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये ए इज द करेक्ट आंसर 120, ठीक है। प्रियास एज वाला जो क्वेश्चन था आपका, इसका आंसर है सी 14 इयर्स, ठीक है। पार्ट 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, तो इसका जो आपका पहले के तीन स्टेटमेंट तीनों ट्रू है। लास्ट वाला जो ऑप्शन है डी, देयर इज ओनली वन सेट ऑफ थ्री प्राइम नंबर्स सच दैट देयर इज अ गैप ऑफ टू बिटवीन टू एडजेसेंट प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। ये आप ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। तो ये इट इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन नंबर एट में जो आंसर है आपका x plus 2 upon 2x की जो आपकी मिनिमम वैल्यू निकाली थी वो है सी 2 whole 1 upon 2। क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपका था, ठीक है ना, तो आपका जो पहला ऑप्शन है 1 plus px upon 1 minus qx √1 minus qx upon 1 plus qx का जो आंसर है वो ए है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्हें हॉस्टल वाला जो क्वेश्चन था, रेंट पर रूम इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर है आपका सी 44%। उसके बाद राधा एंड हेमा वाले जो क्वेश्चन था आपका, ठीक है ना, तो इसका आंसर है आपका 6 किलोमीटर, ठीक है। व्हाट इज द नंबर व्हाट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस 3 to the power x plus 2 plus 3 to the power minus x वाला जो क्वेश्चन था आपका, इसका आंसर है बी 0, -2। क्वेश्चन नंबर 13 जो आप देख रहे हैं, ठीक है, लॉग वाला जो क्वेश्चन था आपका, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन 408 to the power आपका ये था 10, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इसके इसके था आपका आंसर सी 21 वाला। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है आपका, द सम ऑफ थ्री प्राइम नंबर्स इज 100, तो इसका डी नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का भी सॉल्यूशन आई हैव नॉट गॉट, ठीक है, ये सॉल्व करने भी मिला नहीं, तो आई रिग्रेट फॉर दिस, ठीक है ना। 15 वाला जैसे मिलेगा आई अपलोड, ओके। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है आपका, 16 वाले का जो आंसर है, जो सेट वाले जो क्वेश्चन आए थे आपके सेट थ्योरी से, तो नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली वन न्यूज़पेपर, तो ये आपका 20,000 है, ठीक है ना। और व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट टू न्यूज़पेपर्स, ये आपका 12,000 हो जाएगा, ठीक है। और व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एनी ऑफ दीज थ्री न्यूज़पेपर्स, ठीक है ना। व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट रीड वाले जो था आपका, ये आपका डी हो जाएगा 68,000। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द जो आपका एक्सपेंशन था आपका 7 to the power जो आपका गिवन था ही, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा इट इज सी ई 7 वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, सपोज एन स्क्वायर प्लस 48 वाला जो आपका क्वेश्चन था, ठीक है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर वाला जो है आपका इट इज 3, मतलब सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये एक्स की वैल्यू गिवन थी आपकी 4√6 upon √2 plus √3 वाला जो क्वेश्चन था, इसमें इसकी वैल्यू निकालती थी, इसकी वैल्यू आपकी डी ए 2, ठीक है। और एक्स वाई जेड आर थ्री नंबर्स वाला जो क्वेश्चन था आपका, 30% ऑफ एक्स एंड वाई या जो आपको ये वाई इज 40% ऑफ जेड, इस टाइप से पी इज कितना परसेंट, तो इसका डी हो जाएगा 75%, ओके। अब प्लेन वाला जो क्वेश्चन था मूविंग गोइंग अराउंड इन सर्कल, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इट इज ए 75 सेकेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24,
जो स्टेटमेंट्स आपके गिवन थे, पी बोथ पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स, बोथ पी एंड क्यू मे बी कंपोजिट नंबर्स, तो इसका ऑप्शन मैंने वैसे अपलोड किया था, मैंने जल्दीबाजी में मे बी वाला पोर्शन पढ़ नहीं पाया था मैं, तो ये भी मैंने आपको गलत बताया था वैसे। तो आपका इसका जो आंसर होगा इट विल बी डी, ठीक है ना, 1, 2 एंड 3 तीनों आपके करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, द क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स द एवरेज वेट, तो नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी थी हमें, तो नंबर ऑफ गर्ल्स आपका 25, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 26 का जो आपका रूट का जो रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है वैसे भी, तो नेवर जीरो, ठीक है ना, इट कैन बी नेवर जीरो, ये बी वाला जो आपका आंसर है, ठीक है ना, ये हो जाएगा नेवर जीरो वाला। क्वेश्चन नंबर 27 का जो आपका आंसर था वो है 1/36, ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, 1/36 सी वाला जो आपका आंसर है, ठीक है। व्हाट इज द जो आपका ये था आपका बार वाला क्वेश्चन, 0.53 बार प्लस 0.53 के बार जो था आपका क्वेश्चन, इसका आंसर है 1.0668 के ऊपर बार वाला जो ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 जो आपका 3 to the power n ग्रेटर देन n to the power 3 होल्ड्स, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा n इज अ नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 3 वाला जो आता है, n इज अ नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 3, ठीक है ना, ये डी वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। और 30 वाले का आपका डी है आपका सीधे सीधे 1.0.121 है, जो 22 फिर 111 222 इस टाइप से जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। 31 वाले का जो आपका गिवन है, चार्ट गिवन था पार्ट 1 पार्ट 2, स्पीड और टाइम गिवन थी, हमें निकालता है एवरेज स्पीड, ठीक है ना, तो इसका आंसर है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 32 में जो आपका ये रेशियोज गिवन थे आपके, ठीक है ना, सॉरी फ्रैक्शंस गिवन थे, ए अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू बी अपॉन सी प्लस इक्वल टू सी अपॉन ए प्लस बी, तो इसका आंसर होगा ईच ऑफ द फ्रैक्शंस इक्वल टू 1/2 ओनली, डी वाला आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, द नंबर 3 to the power 521 इज डिवाइडेड बाई 8, जो आपका ये पावर वाला था क्वेश्चन था आपका, तो व्हाट इज द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर इसका 3 आर था, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, अ प्राइम नंबर कंटेन्स अ डिजिट एक्स, तो ये भी मैंने जल्दीबाजी में आपका गलत हो गया क्योंकि 5 में इंक्लूड करना भूल गया था इसमें, ठीक है ना, तो इसके प्राइम नंबर्स क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी, टोटल जो एक्स की वैल्यूज थी वो 6 आ सकती थी, मैंने 5 बता दिया था, 5 को इंक्लूड नहीं किया था, तो डी विल द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 वाला जो है लास्ट पेज पे चला गया उसको मैं भी लेता हूँ, ठीक है, तो उसके यहाँ सीधे 43 में चला गया, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा उसको, ठीक है ना। 43 वाला जो आपका है, अ मैन हु डाइड रिसेंटली वाला जो आपका क्वेश्चन था, वाइफ की जो शेयर थी वो निकालनी थी, वो थी आपकी 20,000, ठीक है, सॉरी 10,000, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इन विच, तो इसका आंसर था आपका 4, ठीक है, डबल मतलब जो ट्रिबल्ड वाला क्वेश्चन था, इन विच 40% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन ट्रिबल्ड, तो आपका इसका आंसर हो गया बी 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, अ पर्सन डिवाइडेड सम ऑफ 17,200 इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है, तो आपने जेड वाला निकाला था, व्हाट इज द मनी इन्वेस्टेड एट 9%, ठीक है, इस तीसरे वाले पार्ट में जो मनी निकाला था वो है आपका 4,000, ठीक है। और उसके बाद आपका 46 वाला जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, 46 वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा एक्स माइनस ई, तो सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, ठीक है ना, इसका आंसर है सीधे आपका देखिए एक्स माइनस वाई का क्यूब, इन तीनों का सम वो आपका 0 के बराबर था ऊपर वाले का सम, ठीक है ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3xyz, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 सीधे सीधे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 47 में आपका ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू बी टू दी पावर इक्वल टू सी टू दी पावर जेड पी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, देन व्हाट इज द वैल्यू वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन जेड, ठीक है ना, तो इसकी जो वैल्यू आई थी वो आपकी सी के बराबर 2 अपॉन वाई के बराबर। क्वेश्चन नंबर 48 जो आपका है, पी एंड क्यू आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन वाला जो गिवन था, तो इसका आंसर होगा बी 56। तो क्वेश्चन नंबर 49, फॉर द इनइक्वालिटीज, जो इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 ग्रेटर देन 0, इसका जो आंसर होगा इट इज डी, ठीक है ना, जो आपका और वाला जो गिवन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में 5 to the power कितने है यार, 3n माइनस सॉरी 5 to the power 2n माइनस 2 to the power 3n हैज अ फैक्टर, ठीक है ना, इसका सीधे आंसर था आपका 17 सी वाला। और इफ 10x ग्रेटर देन 1 और ये आपका एक्स लाइन बिटवीन 0 एंड 90, ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 sin x cos x, ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 46 डिग्री कॉस 44 डिग्री कॉस 46 डिग्री साइन 44 डिग्री, इसका भी जो आंसर है भी 1 ही था, मतलब सी। सपोज ये आपका क्वेश्चन था, सपोज 0 less थीटा जो है 0 और 90 के बीच में लाइक कर रहा है, फॉर एवरी थीटा 4 sin² थीटा प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये आपका 4 sin थीटा के बराबर हो जाएगा,
ठीक है ना, 54 वाला जो आपका आंसर है, हेक्सागन वाला जो आपका रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ वाला, तो इसका आंसर होगा 1/3, ठीक है, बी वाला 1:3। और 55 वाले का जो आपका 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, अप टू 10 89 डिग्री, इसका आंसर आपका P1। और क्वेश्चन नंबर 56 का जो आंसर है आपका टू पैरेलल स्ट्रीट्स वाला जो है, तो डिस्टेंस बिटवीन देम था आपका 12.5 किलोमीटर, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 57, ये आपका 10 वाला जो 10 3 10 थीटा इक्वल टू कॉट थीटा वाला जो क्वेश्चन था आपका, इसका पहला जो ऑप्शन है पाई बाई सिक्स, वो आपका ई वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। 50, इसके बाद 58 वाला जो क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, बी वाला ऑप्शन करेक्ट, ठीक है ना। और ये आपका साइन टू दी पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 6 थीटा वाला जो क्वेश्चन था आपका, ठीक है ना, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका सीधे इसका आंसर था आपका A0। और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, कितना, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट पॉसिबल, जैसा आपका सेग अल्फा इक्वल टू 1/4, तो इसका आंसर आपका C3, ठीक है ना। और ये आपका जो निकालना था व्हाट इज द मीन आपको गिवन था, पी की वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू 11 है, ठीक है। और इसके बाद जो क्वेश्चन था आपका मीडियन वाला, मीडियन जो आपका व्हाट इज द मीडियन, तो मीडियन आपका 8 होगा, ठीक है ना, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 वाला जो आपका एवरेज जो 50 कंसेक्यूटिव जो आपके थे नेचुरल नंबर्स, तो इसका आंसर होगा आपका बी x+2, ठीक है, x+2 वाला। और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आपका जो इंटरचेंज डिजिट्स वाला था आपका, ये टू डिजिट विच रिमेन्स अनचेंज वाले, एवरेज निकालना था, इसका एवरेज था आपका 55, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन था, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका पहला और दूसरा करेक्ट होगा, पिक्टोग्राफ आपका नहीं है, तो 1 और 2 ओनली वाला आप जो ऑप्शन है ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट अ प्राइमरी डाटा, तो डी वाला जो आ गया फ्रॉम पब्लिश्ड थीसिस, ये आपका हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 जो क्वेश्चन था आपका फूड में, और ये इसमें अलग अलग दिया हुआ था आपका, ठीक है ना, इनकम आइटम्स एंड अमाउंट इन जो आपका एक्सपेंडिचर गिवन था, तो आपने इसमें इसका जो आंसर है आपका ये 1.2 एंड 4.15, बी वाला जो आपका ऑप्शन है, ठीक है। 68 वाले का हो जाएगा 2m - m² / n, ये वाला आंसर, ठीक है। 69 वाले में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, तो जो मीडियन है ग्राफिकल लोकेशन होता है, तो पहला वाला ही करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो उसके बाद अगला जो क्वेश्चन था जो नीचे में जो आपके लिखे थे, ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है ना। तो ये आपका डी वाला जो आपका था, एरिया ऑफ द पॉलीगन इज कॉल्ड टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, लेंथ रेक्टेंगल की लेंथ 3 टाइम बढ़ाई जाती है, सॉरी 3 टाइम्स है ब्रेथ की, ठीक है ना, तो इफ इस लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज बाय, वाला जो क्वेश्चन है आपका, तो व्हाट इज इसमें पूछा गया था, देन इट्स पेरीमीटर इंक्रीजेस बाय, ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका 25%, तो सी वाला जो क्वेश्चन है, सी वाला जो ऑप्शन है आपका, ये करेक्ट हो गया, ठीक है ना। 72 वाले में आपका द परसेंटेज डिक्रीज वाला जो क्वेश्चन था ट्राइंगल के एरिया में, तो 1 - 1/4 × 100%, तो दैट मींस 75% आपका आंसर था ये, तो ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और तो वॉल्यूम वाला था आपका, वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल वॉल्यूम इंक्रीज बाय 72 परसेंटेज इंक्रीज इन द सर्फेस एरिया, तो इसका 300% था आपका आंसर, ठीक है। 74 वाले का आपका जो है लेंथ ऑफ टू पैरेलल कॉर्ड्स वाला जो क्वेश्चन था आपका, ठीक है ना, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कॉर्ड्स, तो इसका आंसर था आपका 2 और 14, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 75 का जो आंसर है आपका, टू अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर से आपके जो सेक्टर्स बनाए गए थे, तो उसका आंसर आपका ए स्क्वायर π/2 - 1, दैट मींस सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76, द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए आर कट इन फॉर्म एन रेगुलर ऑक्टागन वाला, तो पहला इसका आंसर करेक्ट है a(√2 - 1), ठीक है। और उसके बाद 77 वाला जो क्वेश्चन था, इसमें ओनली वन वाला जो है राइट एंगल ट्राइंगल वाला, हाउ मेनी सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो आपका एक ट्रिपलेट बन रहा था 3, 4, 5 का, ठीक है ना, ओनली वन सेट इज पॉसिबल, तो ओनली वन वाला आ जाएगा इसमें। और क्वेश्चन नंबर 78 वाला जो आपका है, टू सर्कल्स आर ड्रॉन विद द सेम रेडियस, सॉरी सेम सेंटर वाला जो क्वेश्चन था आपका, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, हमने निकालते एरिया बिटवीन दीज टू सर्कल्स, तो 462 आपका सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर कारपेट 6 फीट × 12 फीट वाला जो था आपका, ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी 17 square feet। और द पेरीमीटर, उसके बाद वाला जो पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज के टाइम्स वाला था जो क्वेश्चन था आपका, ठीक है, तो इसमें हाइपोटेन्यूज गिवन था आपका, तो
तीनों साइड्स का जो रेशियो है 3, 4, 5 आ गया था, ठीक है ना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के निकालना था हमने, ठीक है ना। तो पेरिमीटर्स का आंसर हो जाएगा C4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 81, जो आपका 12 मीटर वायर वाला जो क्वेश्चन था इनटू टू पीसेस, तो इसका आंसर था आपका 6/π/4, सॉरी 6/π+4 बी वाला, ठीक है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:1:4 इफ द पेरिमीटर ऑफ ट्राइंगल इज के टाइम्स द लार्जेस्ट साइड, ठीक है ना। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, तो 1+2/√3, तो ये आपका ए वाला करेक्ट आंसर है इसका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 83, द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल वाला जो क्वेश्चन था आपका, तो इसका आंसर है √√265, ठीक है। तो ये आप सेंटीमीटर। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन था आपका, ये सर्कल जो आपका था रेडियस 8 सेंटीमीटर, ए बी एन ए सी आर टू कॉर्ड्स, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर वाला जो क्वेश्चन था, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड बी सी, तो इसका आंसर है D6√7, ठीक है। और उसके बाद जो क्वेश्चन था, स्टेटमेंट बेस्ड था, फॉलोइंग स्टेटस एनी आइसोसेलस ट्राइंगल इज ऑलवेज साइक्लिक, ठीक है, ये तो करेक्ट है। एनी साइक्लिक पेरिकुलम इज अ रेक्टेंगल, ये ऑप्शन गलत था, तो ओनली वन वाला जो ऑप्शन आपका इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और उसके 86 वाला जो क्वेश्चन था आपका लैडर वाला, तो इसका आंसर है 6. लैडर की जो लेंथ थी 6.5 मीटर, ठीक है ना। उसके बाद 87 वाला जो क्वेश्चन था, टू इक्वल सर्कल्स इंटरसेक्ट, ये वाला जो आपका था, ठीक है ना। देन द व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो डायमीटर ऑफ द सर्कल था आपका कितना, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद जो 88 वाले का क्वेश्चन था, द नंबर ऑफ टू सर्कल्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम, अच्छा स्टेटमेंट बेस्ड था, तो नंबर ऑफ टू सर्कल्स दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज इनफिनिटी, लेकिन इसमें एक ही होता है 3, तो ये ऑप्शन गलत दे रखा है आपका, पहला ऑप्शन गलत है। एनी एंगल फॉर्मड इन द माइनस सेगमेंट इज एक्यूट, ठीक है, ये करेक्ट है, तो ओनली 2 वाला आपका आंसर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, ये सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 88, ठीक है ना। ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, तो तीन प्रॉपर्टी सही है, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द थर्ड साइड, तो डिफरेंस इज सब सही है इनमें से, तीनों ऑप्शन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो 1, 2 और 3 तीनों करेक्ट हो गए, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसके जो नेक्स्ट है, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ 3 मीडियंस, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद दूसरा वाला जो आप क्वेश्चन है, ये आपका सही है, ठीक है ना। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन 2 times AD, तो ओनली 2 वाला आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन स्पेयर वाला जो क्वेश्चन था, उसमें जो पहले वाला जो पार्ट है उसका आंसर है 6:3:1, ठीक है ना। उसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो पार्ट था, रेशियो निकालना था, ठीक है ना, रेशियो आपका 14:11, सी आपका आंसर सही था, ठीक है ना। और उसके बाद वाले में लास्ट वाला जो पार्ट था इसका नीदर 1 nor 2 वाला हो गया, ठीक है ना, डी ऑप्शन। क्वेश्चन जो आपका ABCD से क्वाड्रिलेटरल AB, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल निकालना था आपने, ठीक है ना। एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल 126 square centimeters, ई वाला आ गया। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ADC की जो एरिया थी 126 और क्वाड्रिलेटरल की एरिया थी आपकी 306, बी वाला आंसर, ठीक है ना। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ABC एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ADC, तो इसका आंसर है सी, 6 centimeters, सी वाला, ठीक है ना। और उसके बाद इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20√3, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है ना। तो इसमें साइड ऑफ द ट्राइंगल की लेंथ जो निकालनी थी वो आपकी 60 सेंटीमीटर, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और उसके बाद था आपका ट्राइंगल डिस्टेंस, तो डी की वैल्यू निकाली थी आपने, व्हाट इज डी इक्वल टू, तो डी इक्वल टू आपका 20√3, सी आपका आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद जो आपका 99 क्वेश्चन था, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, तो इसका भी मैंने थोड़ा कैलकुलेटिव मिस्टेक हो गया था मेरे कहने, तो इसका आंसर आपका 288, ठीक है ना। मैं 2 LB + BH + HL होता है आपका, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया मैंने केवल ये ले लिया था जल्दीबाजी में, 2 में इंक्लूड करना भूल गया था, ठीक है। तो दैट इज 288 इसका आंसर हो गया। और 100 वाले में आपका हो जाएगा S-3B, तो ये आपका सी आ गया, 1144 square centimeters, तो क्या निकालना था इसमें, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, सी। आपके क्वेश्चंस रह गए थे कुछ लास्ट वाले पेज में, ठीक है ना, जो बीच का पेज गया था। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट द गेन ऑफ 6% इंस्टेड ऑफ लॉस ऑफ 6% वाला जो आपका आंसर होगा इसका, ठीक है ना। जो क्वेश्चन नंबर 35 जो आपका छूट गए थे कुछ क्वेश्चंस बीच में, ठीक है ना, उसको पेज अलग से आ गया आपका, ठीक है ना, वो बीच बीच में नहीं आ पाए थे। तो उसका जो 35 वाला जो क्वेश्चन था, इफ एन आर्टिकल सोल्ड एट अ गेन ऑफ 6% इंस्टेड ऑफ अ लॉस ऑफ 6%, ठीक है ना, तो इस वाले का जो आंसर होगा आपका डी हो जाएगा,
रुपीज 50, ठीक है। फील्ड कैन बी रिप्ड इन रिप्ड बाई 12 मेन और 18 वुमेन, सिंपल सा क्वेश्चन था आपका ये, ठीक है ना। तो सी वाला आंसर हो गया आपका 90s। और ये 37 वाला सिंपल सा ही, कई बार आते हैं क्वेश्चन, हर साल आते हैं, 3 to the power x log लेकर के आपका सीधे सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। तो सी इज द करेक्ट आंसर। 38 वाले का आपका रेशियोज है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दीजिए, ठीक है ना। तो ए आपका आ जाएगा सीधे सीधे एक बार लगाने पे, ठीक है। 39 वाले में, 39 मान में कहते हैं गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी हैव द रिमाइंडर, मतलब सेम रिमाइंडर जब डिवाइड करते हैं एक्स एक्स प्लस एक्स माइनस वन से या एक्स प्लस वन से, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ए की वैल्यू तो जीरो आ रही थी और बी कैन बी एन इंटीजर, तो डी इज द ऑप्शन, ठीक है ना। और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन था, तुषार टेक्स 6 hours टू कम्प्लीट अ पीस ऑफ वर्क, तो दोनों एक साथ मिलकर कितना काम कर सकते थे वाला जो क्वेश्चन था आपका, ठीक है ना। तो उसका 3 hours 45 minutes, डी इज द करेक्ट आंसर। और 41 वाले का सिंपल सा था आपका ही, ठीक है ना। 2 + 2 = 4 आ जाएगा इसका आंसर, तो आपका हो गया कितना, 41 का डी सीधे 4, ठीक है। 42 वाले का जो था एग्जामिनेशन, 52% कैंडिडेट्स फेल्ड इन इंग्लिश एंड 42% फेल इन मैथ्स। तो ये वाला जो पेज वाले जितने भी लघु लघु क्वेश्चन है, पिछली बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, पिछली बार की तरह ही क्वेश्चन थे आपके जो 2018 के सेकेंड वाले में आए थे एज आई रिमेम्बर, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ओके।